गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, येस्टरडे इन लाइव क्लास वी हैव रीड दिस पोएम लिटिल बाय लिटिल। टुडे फॉर रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, जस्ट रीड द पोएम प्रॉपरली, प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, राइट इट इन योर कॉपी विद इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। लेट्स स्टार्ट। दिस इज यूनिट 3, लेसन नंबर 5, लिटिल बाय लिटिल। It is a poem about a seed which grows into a big plant, big tree. It is about acorn seed. It is about acorn seed which grows into a oak tree. Let's start. Even the biggest trees begin life as tiny seeds. जो भी बड़ा सा बड़ा पेड़ होता है वो अपनी जिंदगी कहाँ से शुरू करता है? एक छोटे से बीज से। Read about how the little acorn grew big. चलो पढ़ते हैं कि कैसे वो छोटा सा acorn का बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बना। Little by little, little by little, an acorn said. Little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed. As it slowly sank in its mossy bed. I am improving every day. I am improving every day. Hidden deep in the earth away. Hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. इसमें एक छोटा सा एकॉर्न, एकॉर्न सीड, ये देखिए एकॉर्न सीड, दिस इज एकॉर्न सीड, एंड इट इज सेइंग लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, मैं कहाँ जा रहा हूँ? धीरे धीरे मैं ज़मीन के अंदर डूबता जा रहा हूँ। सैंक मतलब डूबना। ये देखिए, बीज को हम ज़मीन के अंदर डालते हैं तभी वह एक पौधा बन के बाहर निकलता है। तो वो जो एकॉर्न का सीड है वो भी ज़मीन के अंदर धीरे धीरे अंदर जाता जा रहा है। I am improving every day, hidden deep in the earth away. और मैं अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ मेरे अंदर सुधार हो रहा है, कुछ ना कुछ मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पहले मैं ज़मीन के अंदर गया, वहाँ मेरी ये रूट्स निकली, ये जो थ्रेड लाइक रूट्स हैं वो मेरी निकल रही हैं, वो भी गहरे गहरे अर्थ के अंदर। जब हम मैं अर्थ के अंदर बहुत गहरे जब मैं अंदर गया तो मेरे अंदर से रूट्स निकलनी शुरू हो गई और मैं धीरे धीरे सुधरता जा रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, और धीरे धीरे मैं बढ़ता जा रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, और धीरे धीरे वो पानी की बूंदें भी लेता जा रहा है। ड्यू मतलब ओस, ओस की बूंदें भी वो, पानी की बूंदें भी वो धीरे धीरे सोखता जा रहा है, और इन सब चीज़ों को लेके वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जा रहा है। क्योंकि किसी भी पौधे को उगने के लिए बच्चों बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि पहले, सबसे पहले तो मिट्टी, क्योंकि मिट्टी के अंदर ही हम बीज को बोते हैं। मिट्टी की ज़रूरत होती है, ये देखिए ये पानी की बूंद पी रहा है, पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ये एक छोटे सा एकॉर्न सीड आपको बार बार ये बात बता रहा है। लिटिल बाय लिटिल एंड एकॉर्न सेड, एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Now, downward it sent out a thread-like root. Downward मतलब नीचे, नीचे कहाँ? ज़मीन के अंदर. It sent out a thread-like root. और ये ज़मीन के अंदर उसके धागे जैसे roots निकलती जा रही हैं. Up in the air sprang a tiny shoot. और up मतलब ऊपर, air मतलब हवा में, हवा में इसका ये जो tiny मतलब छोटा सा जो shoot, shoot होता है ऊपर का, ये तना, ये जो तने का part है, ये देखिए ये जो आपका stem है इसी को हमने क्या बोला? Shoot बोला, जिसमें हमारी leaves और branches निकलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? Shoot बोलते हैं, तना बोलते हैं। तो ये देखिए पतला सा तना, tiny सा पतला सा तना जो है वो shoot जो है वो हवा में क्या कर रहा है? हिलता जा रहा है, हवा में उड़ता जा रहा है, हिल रहा है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन ब दिन जैसे बढ़ते जा रहे हैं, सालों साल जैसे बढ़ते जा रहे हैं। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और धीरे धीरे उसमें से पत्तियां भी निकल रही हैं।
ये देखिए जब ये बीज आप ज़मीन के ऊपर देखते हैं तो सबसे पहले उसमें से पत्तियाँ निकलती हैं, तो ये धीरे धीरे इसमें से पत्तियाँ भी लीव्स भी निकलती जा रही हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेज स्प्रेड फार एंड वाइड, स्लेंडर मतलब बहुत पतली सी, पतली दुबली लेकिन खूबसूरत। एंड द स्लेंडर ब्रांचेज, और ये पतली वतली जो ब्रांचेज हैं जो इसकी ब्रांचेज निकलेंगी, ये देखिए ये टहनियाँ इसकी ब्रांचेज, इस पेड़ की ब्रांचेज धीरे धीरे क्या है बहुत दूर दूर चौड़ी चौड़ी होकर फैलती जा रही हैं। स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलना, फार मतलब दूर और वाइड मतलब चौड़ी, तो ये चौड़ी होकर बहुत दूर दूर फैल रही हैं इस पेड़ की जितनी भी ब्रांचेज हैं। टिल दैट माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, और कब तक फैलती जाएंगी वो, जब तक कि जो ये ओक ट्री, जब ये एकॉर्न क्या बन जाएगा, ओक ट्री बन जाएगा, ये ओक का पेड़ बन गया यहाँ पर, और ये तब तक बनता जब तक फैलता जाएगा जब तक कि वो जंगल का राजा, जंगल में उसकी वाहवाही नहीं हो जाती, प्राइड मतलब जंगल का वो, जब तक कि जंगल का वो गौरव नहीं बन जाता। प्राइड मतलब जिसके ऊपर किसी को अभिमान हो, मतलब वो इतना सुंदर बन जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि जंगल भी उस पर अभिमान करना शुरू कर दे कि हाँ ये मेरा पेड़ है। तो ये देखिए ओक ट्री है, ये जो एकॉर्न सीड इसमें लगे हुए हैं, एकॉर्न सीड। तो दिस इज द पोएम अबाउट अ सीड, हाउ इट ग्रोज बिग लिटिल बाई लिटिल। सो यू हैव टू रीड दिस पोएम एंड राइट इट इन योर कॉपी।